मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बची हुई चावल की इतना टेस्टी रेसिपी, जिसे एक बार बना लोगे ना तो रोजाना इस तरह से बनाकर खाना पसंद करोगे, इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है। अक्सर हम सभी के घर पे रात के बचे हुए चावल रह जाता है, इसका क्या करें हमें कुछ समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी लेकर आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रात के बचे हुए चावल ले लिए है। आप दोपहर के भी बचे हुए चावल ले सकते हैं या रात के बचे हुए चावल ले सकते हैं, और आप कोई भी वैरायटी के चावल ले सकते हैं, या बासमती चावल हो आपके पास, जो भी अवेलेबल चावल हो ना आप इसे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कटोरी से 2 कटोरी नाप के चावल ले ली है। आपको अगर ज़्यादा बनाना हो तो ज़्यादा ले सकते हैं। और अभी एक कढ़ाई लेंगे और गैस को मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है, और अभी कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और जैसे ही कढ़ाई थोड़ा सा गर्म हो जाए इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल। अगर आपके पास घी हो तो घी भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। अभी ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें ऐड करेंगे करी पत्ते और डाल देंगे हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च को इस तरह से काट के डाल दिया है, और मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज की प्याज को इस तरह से लंबे स्लाइस में काट कर डाल दिया है। अभी इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज को ना हमें हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। देख सकते हैं प्याज हमारा हल्का सा फ्राई हो चुका है, और अभी इसमें ऐड करेंगे चावल। तो जो चावल रखा था ना वो डाल देंगे इसमें, और सभी चावल को डालने के बाद इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी तो अभी इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, पहले चावल को अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि चावल एकदम खिला खिला हो। तो देख सकते हैं मैंने चावल को अच्छी तरह से फ्राई कर ली है, और अभी इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और नमक डाल के फिर से थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी के साथ, ताकि नमक जो है चावल के साथ अच्छे से मिक्स हो। अभी इसमें ऐड करेंगे मसाला। तो मैंने यहाँ पे ले ली है 1 चम्मच बिरयानी मसाला और ले लिया है 1 चम्मच गरम मसाला। तो ये जो रेसिपी है ना इसमें और कोई मसाला नहीं डालेंगे, सिर्फ बिरयानी मसाला और गरम मसाला ही इसमें डालेंगे। तो इनको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर रखा है, और इस तरह से चलाते हुए इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने इनको 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर ली है, और अभी इसमें ऐड करेंगे अंडा। तो मैंने यहाँ पे 1 अंडा ले ली है। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी जितना चावल का इस्तेमाल किया है ना, तो मैंने यहाँ पे 1 अंडे लिया है। अगर आप लोग ज़्यादा चावल ले तो आप इसमें 2 या 3 अंडे भी डाल सकते हैं। और अभी अंडे को अच्छी तरह से चावल के साथ मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 मिनट तक अंडे को भी चावल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर ली है, और अभी इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बटर। अगर आपके पास घी हो तो घी भी डाल सकते हैं। तो बटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चावल के साथ, और मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अभी हमारा मज़ेदार चावल की नाश्ता बनकर तैयार है। तो आप इस रेसिपी को सुबह शाम किसी भी समय खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसको एक प्लेट पर निकाल लेते हैं अभी। तो देख सकते हैं अभी हमारा मज़ेदार बचे हुए चावल की नाश्ता बनकर तैयार है। इस रेसिपी को सर्व करने के बाद आप ऊपर से नींबू का रस थोड़ा डाल के फिर खाना, देखना बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इस नाश्ते को सुबह भी खा सकते हैं, शाम भी खा सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है, और ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।